नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है GRV स्टडी एजुकेशनल चैनल में। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने कल चर्चा किया था हीट इंजन के बारे में, जिसमें हम लोगों ने केल्विन प्लैंक के स्टेटमेंट भी डील किया था और उस पे बेस्ड एक दो सवाल लगाए थे। उसके बाद मैंने दोस्तों आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनसे रिलेटेड थ्योरी और सभी चीज़ें बताई थी, और किस प्रकार क्वेश्चन उन टॉपिक से बन सकते हैं इन चीज़ों को भी बताया था। तो जो भी हमारे बच्चे हीट इंजन के साथ दोस्त हमारे जुड़े हुए हैं टॉपिक के साथ, वो फिर आज जुड़ जाएं, क्योंकि आज का लेक्चर उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे, उसके आगे जब हम लोगों ने कल थोड़ी सी चर्चा की दोस्तों, हमने आपको इस इंजन के बारे में बताया था, इस इंजन के बारे में मैंने आपको दोस्तों बताया था। तो इस इंजन में हमने दो चीज़ों की जो चर्चा की थी, तो ये आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आती है कोई भी चीज़, आपको किसी भी प्रकार की चीज़ नहीं समझ में आती, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके या आप हमें बता सकते हैं। दोस्तों दूसरी चीज़ ये है कि हमने आज कई जगहों से कंपेरिजन किया, तो जो हमारा मटेरियल है वह अन्य जगहों की अपेक्षा काफ़ी सॉलिड मटेरियल है, और दोस्तों हम सटीक चीज़ों पर कार्य कर रहे हैं। और हमने कई जगहों पर देखा आपको RAC के, जहाँ पे अन्य अलग अलग चीज़ों के मटेरियल दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों आप RAC पे फोकस करें, अपने ट्रेड के प्रति ध्यान दें, और आप ज़्यादा बहकावे में ना आए किसी के, आपको अपना जीवन खुद सुधारना है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज हम अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हैं, थोड़ी सी पिछली बातों को रिवाइज करेंगे, उस पर एक बेस्ड सवाल क्वेश्चन कल, क्योंकि हमने इस टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए, तो इस टॉपिक पे हम क्वेश्चन डील करेंगे दोस्तों। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। सो हमने कल बात की थी वेन वर्क आउटपुट इज सेम, जब हमारा इंजन में वर्क आउटपुट सेम हो, मतलब किया गया कार्य दोस्तों समान हो, W1 बराबर W2 हो, जो कि हमारा T1 और T2, हम अगर इस इंजन को माने, यहाँ से W1 वर्क निकल रहा हो, तो हमारा अगर W1 और T2 और T3 एक इंजन को माने, यहाँ से हमारा वर्क W2 निकल रहा हो, और दोनों वर्क हमारा अगर सेम हो, तो इक्वेशन बनाना हमने आपको सिखाया था, I बराबर गई, ये हमने आपको बताया था, Q1 माइनस Q2 बराबर Q2 माइनस Q3 हो गया। इसको हम रिवर्स, ये वैलिड होता है हमारा रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल बोथ के केस में। और हम अगर इसको रिप्लेस करते हैं Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू T1 अपॉन T2 से, तो ये ओनली वैलिड हो जाता है किसके लिए दोस्तों, इरिवर्सिबल के लिए। तो इस चीज़ों की हमने चर्चा की थी दोस्तों। फिर हमने आपको निकाल कर दिखाया था कि T2 इक्वल टू T1 प्लस T3 डिवाइडेड बाई 2, और जब हमने ये चर्चा की दोस्तों कि इफिशियंसी हमारी सेम होगी, तो हमारा निकल करके आएगा 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1 इक्वल टू 1 माइनस T3 डिवाइडेड बाई T2। तो यहाँ से हमने 1 से 1 कैंसिल आउट किया, T2 का स्क्वायर बना, T2 स्क्वायर इक्वल टू √T1 इंटू T2 निकल गया हमारा T2 इक्वल टू, सॉरी। अब हम दोस्तों इस पे किस टाइप के सवाल आते हैं, किस टाइप क्वेश्चन आएंगे, हम इनकी चर्चा करते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए, ए रिवर्सिबल इंजन, रिवर्सिबल की बात हमने की थी, रिवर्सिबल मतलब हमारा होता है उत्क्रमणीय इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन, जो कि हमारा ऑपरेट हो रहा है, टेम्परेचर लिमिट 900 केल्विन एंड अदर इंजन जिसका इंटरमीडिएट टेम्परेचर T2 है, जिसकी हमने कल चर्चा की थी कि हमारा इंटरमीडिएट टेम्परेचर T2 होगा वहाँ पे एंड 400 केल्विन। और हमने आपसे कल बताया था कि हम थर्मोडायनेमिक्स और RAC में जो टेम्परेचर जिसके साथ हम डील कर रहे होते हैं, हमेशा केल्विन में तक कंसीडर करते हैं। देखिए यहाँ पर केल्विन में आपको टेम्परेचर मिल गया है एंड 400 केल्विन सीरीज में जुड़े हुए हैं। ये दोनों किस में जुड़े हुए हैं दोस्तों, सीरीज में जुड़े हुए हैं। जैसे कि आप LP के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी होगी, और इलेक्ट्रिसिटी में आप सीरीज और पैरेलल कनेक्शन दोनों पढ़े होंगे, और उन टॉपिक्स को आप, इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक को भी आप अच्छे से करिए, क्योंकि वहाँ से भी अच्छे क्वेश्चन उठेंगे LP में इस बार। फिर आगे बात करते हैं दोस्तों अपने RAC में। तो सीरीज इन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ T2 व्हेन वर्क आउटपुट इज सेम, तो देखिए यहाँ पर आपके लिए एक लाइन मिल गई। क्या दोस्तों मिल गई लाइन आपको, वर्क आउटपुट इज सेम, मतलब जो हमारा किया गया कार्य, जो हमारे इंजन सीरीज में जुड़े हुए हों, हमारा ये टेम्परेचर दी गिवेन है हमको 900 केल्विन एंड सिंक जो हमारा T3 है, इसका टेम्परेचर गिवेन है 400 केल्विन, और इंटरमीडिएट टेम्परेचर जो हमारा दोस्तों किया है T2, तो आपसे कह रहा है कि जब वर्क आउटपुट सेम हो, तो आप हमको इंटरमीडिएट टेम्परेचर T2 बताइए। तो ऐसे ही आपको ये लाइन दिखेगी, आप तुरंत इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, T2 इक्वल टू T1 प्लस T3 डिवाइड बाई 2 करेंगे। आप T1 रखेंगे 900 केल्विन प्लस T2 रखेंगे 400 केल्विन डिवाइड बाई 2, आपका ये आंसर आ जाएगा दोस्तों। अगर मान लीजिए इसी केस में ये व्हेन वर्क आउटपुट इज सेम को रिप्लेस कर दिया जाता, व्हेन अ वर्क आउटपुट इज सेम को रिप्लेस किया जाता व्हेन इफिशियंसी इज सेम, व्हेन इफिशियंसी इज सेम, तो आपको क्या करना दोस्तों, कुछ नहीं, हमने आपको बताया जब इफिशियंसी सेम होगी, तो इंटरमीडिएट टेम्परेचर निकालने के लिए हम रूट में T1 इंटू T3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और जैसे आप यहाँ T1 इंटू T3 रखेंगे, आपका 600 केल्विन आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बड़े ही अच्छे क्वेश्चन है, और मैं आपको एक्सपेक्टेशन से बता सकता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके UPSC एग्ज़ाम, JEE
आरआरबी जेई, एसएससी जेई और जितने भी स्टेट लेवल के इंजीनियरिंग एग्जाम है या सेंट्रल लेवल के जितने भी इंजीनियरिंग एग्जाम है, सभी में इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं प्री में। ठीक है दोस्तों, तो हम अपनी बात के आगो सॉरी हम अपनी बात को आगे जारी करते हैं। और दोस्तों हम चर्चा करेंगे आज क्लासियस स्टेटमेंट की। तो क्लासियस स्टेटमेंट क्या होता है, हमने यहाँ पर क्लासियस स्टेटमेंट लिखा नहीं है क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि हम इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करें इस नोट्स की, तो आप हमें कमेंट में लिख कर बताएं। अगर आपकी डिमांड आएगी तो हम आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे। तो क्लासियस स्टेटमेंट होता क्या है, हम आपको बताते हैं। हमने दो फिगर बना रखे हैं यहाँ पर, इन दोनों फिगर के माध्यम से हम आपको समझाते हैं और क्लासियस स्टेटमेंट होता क्या है हम आपको बताते हैं। क्लासियस ने कहा कि एक ऐसी मशीन बनाना इम्पॉसिबल है, एक ऐसी मशीन बनाना पॉसिबल नहीं है जो लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की ओर हीट को रिजेक्ट करे, जो लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की ओर हीट को रिजेक्ट करे और विदाउट प्रोड्यूसिंग, बिना किसी इफेक्ट के, मतलब बिना किसी कार्य को उत्पन्न किए हुए, बिना किसी कार्य के बिना, मतलब कार्य भी उत्पन्न कर रही है और लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर हीट को रिजेक्ट भी कर रही है। अब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस विच ऑपरेट्स ऑन ए साइकिल एंड प्रोड्यूस नो अदर इफेक्ट, मतलब वो W कोई इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस कर रही हो, देन द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम ए कूलर बॉडी टू हायर बॉडी, मतलब कूलर बॉडी से हायर बॉडी की ओर हीट का ट्रांसफर हो रहा हो। तो क्लासियस का स्टेटमेंट ये जो हमारा निकल करके आया, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। क्लासियस के अकॉर्डिंग ये जो हमारा फिगर था ये हम नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम इस पर कोई ना कोई अदर इफेक्ट ना लगाएं। तो जैसे हमने इस पर अदर इफेक्ट लगाया, हमने W यहाँ से दिया इसको, जब हमने W इनपुट दिया तो हमारी जो ये QL हीट आ रही थी सिंक से, अब ये हम W इनपुट देने के कारण ये हीट रिजेक्ट हो रही है अब सोर्स में, अब QH सोर्स तक पहुँच जा रही है। तो यही इनका क्लासियस स्टेटमेंट था। क्लासियस स्टेटमेंट आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा, यहाँ से सुनिए, इसको ध्यान से सुनिएगा कि क्या ऐसी मशीन बनाना पॉसिबल है जिसमें हम लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की ओर हीट रिजेक्ट कर दें बिना कुछ इनपुट दिए हुए। ठीक है ना दोस्तों, तो इस तरह से आपके में स्टेटमेंट आएगा और आपको चार ऑप्शन में क्लासेस स्टेटमेंट भी मिलेगा और आपको क्लासेस स्टेटमेंट टिक करके आना है। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दें, ऐसा पूछा जाएगा आपसे, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस विच ऑपरेट्स ऑन ए साइकिल एंड ट्रांसफर हीट फ्रॉम ए कूलर बॉडी टू ए हॉटर बॉडी, दिस स्टेटमेंट इज बिलोंग टू द स्टेटमेंट ऑफ क्लासियस, कैलविन और तमाम प्रकार के स्टेटमेंट आपको दिए रहेंगे, तो उसमें आपको क्लासियस स्टेटमेंट टिक करना है। दोस्तों अब हमने पिछले जो हमने हीट इंजन टॉपिक कवर किया, केल्विन प्लैंक की स्टेटमेंट देखा, उसमें हमने दोस्तों इफिशियंसी की बात की थी। क्यों इफिशियंसी की बात इसलिए की थी दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर हमको जो आउटपुट मिल रहा था वो हमको वर्क मिल रहा था, और यहाँ पर जो हमको आउटपुट मिल रहा है या हमारे यहाँ पर जो डिजायर्ड इफेक्ट है, हमारा डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, हमारी इच्छा क्या है, हम चाहते हैं कि हम हीट को यहाँ रिजेक्ट करें, ये हमारा डिजायर्ड इफेक्ट है। तो COP का फार्मूला भी आपसे पेपर में पूछ सकता है। COP का फार्मूला दोस्तों क्या होता है, डिजायर इफेक्ट अपॉन इनपुट, डिजायर इफेक्ट अपॉन इनपुट। तो डिजायर इफेक्ट क्या है, हम क्या चाहते हैं कि हम लोअर से हायर की ओर हीट का ट्रांसफर कर दें, तो डिजायर इफेक्ट जाहिर सी बात है हमारा ये हायर होगा, तो हमने डिजायर इफेक्ट के यहाँ QH लिख दिया। और हमारा इनपुट क्या है, इनपुट हम दे रहे हैं W, इस QL हीट को QH की ओर रिजेक्ट करने के लिए, मतलब सोर्स से जो निकलने वाली हीट QL है इसको सोर्स पे सिंक सॉरी सिंक से जो निकलने वाली हीट QL है इसको सोर्स QH पे फेंकने के लिए जो हम W इनपुट दे रहे हैं, इनपुट W दे रहे हैं, वही हमारा क्या हो गया इनपुट। तो यहाँ से COP का फार्मूला क्या निकल कर के आ गया, डिजायर इफेक्ट डिवाइड बाई इनपुट, डिजायर इफेक्ट क्या हो गया QH और इनपुट क्या हो गया हमने दिया यहाँ पे W। तो COP क्या हो गई हीट पंप की, COP क्या हो गई हीट पंप की, COP हीट पंप की हो गई हमारी QH डिवाइड बाई, अब यहाँ से ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा, तो हम ली निकल कितनी रही है QL और प्लस के W डिवाइड बाई QH सॉरी, तो W इक्वल टू QH माइनस के QL। ठीक है दोस्तों, W हमने क्या रख दिया वैल्यू, QH माइनस QL। फिर हमने आपको कल सिखाया था कि ये वैलिड होगा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल बोथ के लिए। तो आपके एग्जामिनेशन में SSC JEE वाले कृपया ध्यान से इस चीज़ को फोकस करें, और RRB JEE और UPSC JEE वाले, कि आपके एग्जाम में पूछेगा आपको ये फार्मूला देगा हीट पंप का,
आपको ये हीट पंप का फार्मूला देगा सीओपी का, और आपसे पूछेगा कि ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल बोथ के लिए वैलिड है, कि ये ओनली वैलिड है रिवर्सिबल के लिए, कि ये ओनली वैलिड है इरिवर्सिबल के लिए। तो आपको वहाँ पर ध्यान देना होगा कि हीट पंप के केस में। अच्छा, दो चीज़ें और देख लीजिए दोस्तों, दो चीज़ें और देख लीजिए, शायद मैं आपको ये पॉइंट आप समझ गए होंगे, लेकिन आप एक बार देख लीजिए। हीट इंजन के केस में हम लोगों ने क्या निकाला था दोस्तों? इफिशियंसी निकाली थी, और हीट पंप के केस में हम दोस्तों क्या निकाल रहे हैं? सीओपी निकाल रहे हैं। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, आपको खुद अपने आप से क्लियर करनी होंगी। अगर मैं एक छोड़ देता हूँ तो, मैं हालांकि इस चीज़ों को बता रहा हूँ, लेकिन अगर कहीं बाई चांस मिस होता है तो आप इस चीज़ को क्लियर कीजिएगा अपने तरीके से। और दूसरी चीज़, एसएससी वाले सभी एग्जामिनेशन वाले ध्यान दें कि सीओपी ऑफ हीट पंप आपसे अगर इस तरीके से पूछता है, टेम्परेचर के टर्म में दिया हुआ है टीएच अपॉन टीएच माइनस टीएल, तो आप किसके केस में बताएंगे? ओनली रिवर्सिबल के लिए वैलिड है ये, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था ये कब चेंज करता है, क्यूएच डिवाइड बाई क्यूएल इक्वल टू टीएच डिवाइड बाई टीएल, ये हमने आपको कल बताया था वीडियो में इस केस को कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं, अगर मान लीजिए हम यहाँ से टीएच को कॉमन ले लें, हम यहाँ से टीएच को कॉमन ले लें, तो हम जैसे ही टीएच को कॉमन लेंगे तो ऊपर वाले टीएच से ऊपर वाला टीएच कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा वन अपान, यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा वन माइनस इस टीएल में इस टीएच का डिवाइड हो जाएगा, तो सीओपी ऑफ हीट पंप ये निकल करके आ गई। या अगर हम ध्यान दें तो कल हमने इफिशियंसी क्या निकाली थी रेफ्रिजरेटर की या हीट इंजन की, हमने जो निकाली थी वो निकाली थी वन माइनस टीएल डिवाइडेड बाई टीएच। आप पिछली वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जिन लोगों ने पिछली वीडियो को ध्यान से नहीं देखा है उनको इस वीडियो को समझने में काफ़ी तकलीफ होने की उम्मीद है, और जिन्होंने पिछली वीडियो को देख रखा है उनको इस वीडियो में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं, तो रेफ्रिजरेटर या हीट इंजन की इफिशियंसी हमारी क्या निकाली थी हमने कल, वन माइनस टीएल डिवाइड बाई टीएच। तो सीओपी ऑफ हीट पंप इक्वल टू वन अपान इफिशियंसी हम लिख सकते हैं, इफिशियंसी हम लिख सकते हैं। और दोस्तों अब आपको एक चीज़ और यहाँ से समझाना चाहता हूँ मैं, अगर हम ध्यान दें तो सीओपी ऑफ हीट पंप और सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर जो हमारा होता है, इसका दोनों के बीच में एक रिलेशन आपसे एग्जामिनेशन पूछता है। सीओपी ऑफ हीट पंप और सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर के बीच में जो रिलेशन होता है ये आपसे एग्जामिनेशन पूछना चाहता है। तो ये रिलेशन होता क्या है, सीओपी ऑफ हीट पंप इक्वल टू सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस वन। अब दोस्तों मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो इस फार्मूले को, इस कंसेप्ट को, इन जो तरीके मैंने बताए हैं इनके तरीके से जोड़ करके खुद इस इक्वेशन को निकालें, और मैं कल आपको इस वीडियो का डिटेल सॉल्यूशन दूंगा, कल मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को अपने आप से सॉल्व करें। आपको कुछ करना नहीं है, आपको हीट पंप की सीओपी रखनी है यहाँ पे और सीओपी रेफ्रिजरेटर की रखनी है, और आप इधर अगर प्लस वन जोड़ेंगे और इधर प्लस वन जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपका ये चीज़ निकल करके आ जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इस चीज़ को खुद निकालें, खुद सॉल्व करें, ताकि आपका एक जो छोटा छोटा अंश होता है ना डेवलपमेंट का, जो सेरिब्रम होता है हमारा, सेरिब्रम मस्तिष्क का जो भाग होता है सेरिब्रम, उसमें छोटी छोटी चीज़ें तब स्टोर होती हैं जब आप चीज़ों को खुद उठाकर रिवाइज करना चाहते हैं, खुद आप चीज़ों को सीखने की चाहत रखते हैं, तो आपको चाहत से सीखने को चीज़ें मिलती हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब हम बात करते हैं इस पर किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं हमारे। दोस्तों आज के वीडियो मुझे लगता है कि आपको समझ में आई होगी, हम पहले इस पर आए हुए क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इफ़ अ हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टेम्परेचर T1, मतलब कोई हीट इंजन है। अब देखिए यहाँ पर इसने क्या कहा, हीट इंजन, इसने यहाँ पर क्या कहा, हीट इंजन। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें आपके साथ थोड़ी सी गंभीर होंगी, जैसे जैसे हम सब्जेक्ट में आगे बढ़ेंगे आपको अपने दिमाग को खोल कर रखना होगा और बातों को केयरफुली सुनना होगा। जैसे जब आप बातों को केयरफुली सुनेंगे तो आप समझेंगे कब कहाँ क्या हो रहा है और आप चीज़ों को आसानी से डील कर रहे होंगे। कह रहा है इफ़ ए हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टेम्परेचर T1 एंड T2 एंड हैविंग इफिशियंसी ऑफ 0.4, मतलब आपको हीट इंजन की इफिशियंसी दी है, आपको किसकी इफिशियंसी दी है, हीट इंजन की, आपको किसकी इफिशियंसी दी है, हीट इंजन की, और आपसे पूछ क्या रहा है, रेफ्रिजरेटर की सीओपी, आपसे पूछ क्या रहा है, रेफ्रिजरेटर की सीओपी। तो ठीक है सर, हमने कहा कोई बात नहीं, हमको अगर आपने हीट इंजन की इफिशियंसी दी है तो जब भी इफिशियंसी दे और सीओपी पूछे तो आप ध्यान रखिएगा जो सीओपी हीट पंप की होती है वो बराबर होती है इफिशियंसी या वन अपान इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन, जो कि मैंने आपको भी ऊपर बताया। तो इस चीज़ का यूज करके आप वहाँ से क्या निकाल सकते हैं, सीओपी ऑफ हीट पंप, आप वहाँ से क्या निकाल सकते हैं, सीओपी ऑफ हीट पंप। जैसे आपको सीओपी ऑफ हीट पंप मिलेगा, 1/0.4 रखेंगे 2.5 आ जाएगा, जैसे आपको सीओपी ऑफ हीट पंप मिलेगा आप तुरंत क्या करेंगे, इसको जो हमने अभी
ट्रिपल स्टार इक्वेशन जो बनाई, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आपको एज इट इज एलपी वाले ध्यान दें, विशेषकर ध्यान दें, आपको एज इट इज ये क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्जाम में, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन। और एसएससी जेई वालों के लिए मैंने जो क्वेश्चन बताया उस पर वो फोकस करेंगे, और आरआरबी जेई, यूपीएससी जेई। ठीक है दोस्तों, अब देखिए तो सीओपी ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस वन। अब सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर हमसे पूछ रखा है एग्जामिनेशन ने, हमसे क्वेश्चन ने पूछ रखा है, तो हम क्या करेंगे, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू सीओपी ऑफ हीट पंप माइनस वन कर देंगे। और सीओपी ऑफ हीट पंप अभी हमने कैलकुलेट कर रखी है, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या निकल करके आ गई, 2.5 माइनस वन इज इक्वल टू 1.5। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आप किसी प्रकार के इसमें कोई सुधार चाहते हैं या फिर कोई चीज़ आपको समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, हम आपके लिए सदैव तत्पर रहेंगे। और अगर आपको दोस्तों आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए बहुत ही उत्साह से बहुत ही अच्छा मटेरियल आपके लिए एकत्रित करके ला रहे हैं। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो कृपया पूरी वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करें। और जिन्होंने डायरेक्ट इस वीडियो को देखा है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो पिछली वीडियो को पहले कंप्लीट करें। जब आप पिछली वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे तो आपको ये टॉपिक समझने में बहुत ही आसानी होगी। और जल्द ही हम आपको पीडीएफ, अगर आप लोग चाहेंगे कि इन सब्जेक्ट का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाए तो हम आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।